नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। बड़ी खबर, प्रयागराज से सस्ते में किराए पर कमरे देता था, फिर बाथरूम में लगा देता था स्पाइक कैमरा। ऐसे आई हॉस्टल संचालक की करतूत सामने। आपको बता दें कि संगम नगरी प्रयागराज में गर्ल्स हॉस्टल में एक बेहद ही शर्मनाक घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि प्रयागराज गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में स्पाइक कैमरा मिला है। इसकी जानकारी जब छात्रों को हुई तो उन्होंने जमकर हंगामा किया। ये कैमरा हॉस्टल संचालक ने लगाया था। शिकायत के आधार पर हॉस्टल संचालक आशीष खरे को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाथरूम के शावर से कैमरे और अन्य उपकरण बरामद किया गया है। ये हॉस्टल म्योहाल चौराहे के पास रहने वाला आशीष खरे गर्ल्स हॉस्टल का संचालक है। कैमरा लगाने की कार गुजारी सामने आने के बाद पुलिस ने गर्ल्स हॉस्टल संचालक आशीष खरे को पकड़ लिया है। उसने करनालगंज थाना लाया गया। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी संचालक ने बताया कि वह छात्रों की वीडियो बनाता था। इन वीडियो को वह क्या करता था, इसका जवाब अभी वह सही से नहीं दे रहा है। ऐसी बात सामने आई है कि वह छात्राओं को बहुत कम पैसे पर कमरा किराए पर देता था। गुरुवार दोपहर को हॉस्टल में रहने वाली कुछ छात्राओं ने कर्नलगंज थाने जाकर पुलिस को जाकर इसकी शिकायत करते हुए कहा कि बाथरूम में स्पाइक कैमरा लगा हुआ है। इस कैमरे को शावर में लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक हॉस्टल संचालक डॉक्टर का बेटा है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के बाद और कई बातों के साथ ही कुछ लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।